माय चैनल में आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है आज रात वह आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। अगर वो आपके बारे में आज रात सोचेंगे तो वह क्या सोचने वाले हैं, क्या रहेगी उनकी एनर्जी, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग पूरी तरह जनरल रहेगी, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, तो जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना लीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, वी ऑल नो द रूल। ओके, ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है। आपका कोई भी साइन हो, आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आप सिंगल हो, कमिटेड हो, डाइवोर्स्ड हो, कोई भी सिचुएशन है आपकी, क्योंकि ये प्रतिबंधित नहीं है किसी भी सिचुएशन को लेकर, और ये टाइमलेस रहेगी। आप जब भी देखेंगे इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, तो यहाँ हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। ठीक है, वॉट दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट यू टूडे इज नाइट। ओके, वॉट दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट यू। ओके, ये कार्ड कैसा है? एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि काफी पैशनेट रहेंगे वो आपको लेकर आज रात। ओके, लेट मी सी। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। लगता है उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं है, आपसे कुछ छुपा लिया है, और रात में वो चीज़ उनको परेशान करती है कि आपको सब कुछ बताना है, आपको सब कुछ क्लैरिफाई करना है। चलिए और देख लेते हैं, फिर बताते हैं यहाँ पर। ओके, कार्ड अनफोल्ड हुआ था व्यूअर्स, यहाँ पर ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कि है सेवन ऑफ सोर्ड्स का। तो क्या आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, या तो मैं कहूँ कि चीटिंग की है? क्योंकि वो आज रात उस चीटिंग के बारे में सोचने वाले हैं जो उन्होंने की है, जो आपको हर्ट किया है उसके बारे में वो सोचने वाले हैं। क्लैरिफाई करती हूँ एस ऑफ कप्स को, सॉरी देखा मैंने एस ऑफ कप्स कहा, दे लव यू। एस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। एस ऑफ वैंड्स। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटिफुल गाइज, ब्यूटिफुल। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, देन नथिंग इज रॉन्ग। किंग ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई करेंगे अभी हम। ओके, पेज ऑफ कप्स, वेरी नाइस। अब हम सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है ये एनर्जी, किस टाइप की एनर्जी है। ओके, यहाँ काफ़ी कार्ड्स गिर गए, लेट मी शफल अगेन। ओके, टेम्परेंस। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, एनर्जी ऑफ डेक एम्प्रेस है गाइस, यू कैन सी दैट। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने या तो आपको चीट किया था, झूठ बोला था आपसे, आपको धोखा दिया था। कुछ समय तक उन्होंने आपसे काफ़ी बातें छुपा के रखी थी जो शायद आपको बाद में पता लगी होंगी। तो गाइस, पहली बात तो ये कि आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, और आपके पर्सन भी काफ़ी पेन में है इस वजह से कि उन्होंने आपको इतना हर्ट किया, इतनी प्रॉब्लम दी और आपसे छुपा के रखा। तो आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भले ही आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, लेकिन गिल्ट उनके अंदर भी है, तो उनको भी हीलिंग की उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपको है। और गाइज, रही आज रात की बात, तो आज रात तो गाइज वो आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील करने वाले हैं, काफ़ी सेक्सुअल और काफ़ी इंटेंस एनर्जी है उनकी आपके लिए, तो काफ़ी अट्रैक्टेड फील करेंगे वो आज रात आपसे। और आपके पिक्चर्स देख सकते हैं आपके, आपकी जो पुरानी वॉइस रिकॉर्डिंग्स अगर उनके पास हैं तो वो उनको सुन सकते हैं। यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स भी है जो बता रहा है कि वो इमेजिन कर सकते हैं आपके साथ फैमिली, आपके साथ फ्यूचर, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ऐसी चीज़ों को वो इमेजिन कर सकते हैं रात में। रात में रिलैक्स होता है इंसान, अच्छी अच्छी बातें जो उसको उसके दिल को खुश करती हैं ऐसी बातें सोचता है, तो वो आपके साथ अबंडेंस, आपके साथ हैप्पीनेस, ऐसी बातें सोचेंगे। और यहाँ पर मैंने कहा कि उन्होंने आपसे काफ़ी झूठ बोले हैं, तो उनका अभी भी मन है कि वो आपको बात करें, आपको क्लैरिफिकेशन दें, क्योंकि मैंने कहा ना कि उनके मन में गिल्ट है, तो वो आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं और देकर रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक मैं क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, तब तक मैं लव ऑफर नहीं कर सकता और मैं इनसे प्यार करता हूं या करती हूं। तो यहाँ पर यही एक किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गाइस, आपके पर्सन इस बारे में सोचने वाले हैं आज रात को कि वो आपको सब कुछ सच बताएं, उन्होंने जो भी किया, जो भी उनसे गलती हुई, उस बात के ऊपर आपको क्लैरिफिकेशन दें, आपको सॉरी बोलें, आपसे एक्सप्रेस करें उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग्स गाइस काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी हेल्दी और लविंग फीलिंग्स हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी लाइट फीलिंग्स हैं, काफ़ी लाइट हार्टेड फीलिंग्स हैं और काफ़ी लविंग फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो वो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, वापस दोबारा बात करना चाहते हैं जैसे शुरुआत में होती थी, तो वो आपको वापस क्लैरिफिकेशन देंगे अपनी गलतियों का। हाँ, उन्होंने, मैंने कहा ना, उन्होंने झूठ बोला है या कुछ चालाकी की थी, जिसकी वजह से वो खुद भी गिल्टी हैं और वो इस समय अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा रिट्रीट कर लिया है सिचुएशन से। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज, आई रियली कांट हेल्प इट।
आई एम ट्राइंग हार्डर बट आई रियली कांट हेल्प इट, आई डोंट नो हाउ टू मैनेज दीज थिंग्स साइमल्टेनियसली. तो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है तो वो अपने आप को हील भी कर रहे हैं. आगे है द एम्प्रेस की एनर्जी जो कि डेक की एनर्जी है पूरी. यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है काफ़ी नरिशमेंट की, काफ़ी यू नो केयर की, लविंग एनर्जी है. तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ओवरऑल आज रात को आपके बारे में सिर्फ केयर फील करेंगे, केयर, लव, कंपैशन, यू नो एक बॉन्ड फील करेंगे आपके प्रति जो कि काफ़ी प्योर है, काफ़ी प्योर लव है उनका. मैंने अगर ये भी कहा कि सेक्सुअल और इंटेंस एनर्जी फील करेंगे तो इसका मतलब भी ये है कि वो भी काफ़ी प्योर है. नथिंग इज़ रॉन्ग एंड नेगेटिव हेयर, ठीक है. तो वो आपके लिए काफ़ी प्यार फील करने वाले हैं आज रात और काफ़ी इमेजिन करने वाले हैं और अपने गिल्ट के बारे में वो ये सोच रहे हैं कि वो आपको और क्लैरिफिकेशन दें, आपको बताएं. देखिए यहाँ पर आ गया है ये कार्ड, ये कह रहा है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यानी कि वर्क ऑन योर पार्टनरशिप. आप लोगों को गाइज अपने रिश्ते पर गिव अप नहीं करना है, आपको अपने रिश्ते को एक चांस और देना है. जो भी यहाँ चीटिंग हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी, झूठ बोला गया था, उन इश्यूज़ को आप हील कर लीजिए. टेम्परेंस का कार्ड है, आपके पर्सन भी हील करें, आप भी हील करें और आगे बढ़ें, ठीक है. क्योंकि आगे आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है. यहाँ पर जो कार्ड आया है ट्रू लव, देखिए गाइज ये सच्चा सच्चा प्यार है. मैंने क्या कहा था, यहाँ पर प्योर लव है, ट्रू लव है, यहाँ कुछ भी नेगेटिव और फेक नहीं है. लिखा है दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. तो हो सकता है कि यही आपके फ्यूचर पार्टनर हों क्योंकि वो तो आपके साथ फैमिली और शादी और हैप्पी फैमिली इमेजिन करने वाले हैं आज रात को, ठीक है. तो चलिए यहाँ चेक करते हैं. ओके ओके ओके. कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस. तो गाइज यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत सपने सजाए थे कि मेरा सोलमेट ऐसा होगा, मेरा पार्टनर ऐसा होगा, मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, लेकिन आपको जो पर्सन मिले वो थोड़े डिफरेंट मिले. उन्होंने थोड़ी गलतियाँ कर दी, मिस्टेक्स कर दी, आपसे बातें छुपाई, हो सकता है चीट कर दिया आपको. येस, चीटिंग इज़ रॉन्ग बट द रियलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर वो रियलाइज़ करते हैं आपकी इंपॉर्टेंस, आपका प्यार रियलाइज़ करते हैं, देन हम चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं. तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि हम चांस दे सकते हैं, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सेफ है सब कुछ. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रू लव है. ओके और यहाँ पर लिखा है कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस. ओके, टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस. तो गाइज आपने जो सोचा था ज़रूरी नहीं है कि वो एज इट इज़ वैसा ही करें. जैसा आप सोच रहे हैं कि अब आके मुझे सॉरी बोलें, अब आके मुझसे ये कहें, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा करें, लेकिन वो आप रियलाइज़ करेंगे, आपके पास आएंगे, आपको ऑफर देंगे, ये सब चीज़ें तो होंगी. ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपका जो प्यार है उसमें आपके पर्सन शुरू में काफ़ी बचपना था, उनमें इमेच्योरिटी थी और काफ़ी मिस्टेक्स करना, फ्लर्ट करना उनकी ऐसी आदत बन गई थी. लेकिन अब यहाँ पर ऐसा है कि वो मैच्योर हो रहे हैं, चीज़ों की सीरियसनेस को समझ रहे हैं और आपके लिए काफ़ी सीरियस होना चाह रहे हैं. तो आप उनका ये जो चांस है वो ख़राब मत कर दीजिएगा. आप अगर उन्हें सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो आप उन्हें ये मौका ज़रूर दीजिएगा, आई वुड से. ओके, तो ये गाइज ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट करके बताइए. कितने परसेंट रेजोनेट हुई है, एक्यूरेटली रेजोनेट हुई है ये भी बताइए. और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन वॉट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि जब भी मैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊँ या आपके पर्सन का कोई इंट्यूटिव मैसेज आपके लिए लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें. ओके, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, आई रियली कांट हेल्प इट, वी कैन नॉट कंट्रोल सच सिचुएशंस. ओके, बाय बाय.